दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीओवी न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर है, एनएसजी अजीत डोभाल की सेना प्रमुख से अमरनाथ गुफा के पास टेंट में मुलाकात ने दी अटकलों को हवा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से घाटी में ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 35(1) खत्म हो रहा है। इस बीच रिपोर्ट आ रही है कि राज्य में जम्मू घाटी और लद्दाख को 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के विचार पर भी काम किया जा रहा है। एक आम कश्मीरी के लिए इस समय प्राथमिकता पूरी तरह अलग है। इस समय उसकी चिंता राशन, दवाइयां, खाद्य तेल, नमक, चाय, दालें और सब्जियां इकट्ठा करना है। सूत्रों ने कहा है कि सुरक्षा बलों को घाटी में शिकंजा कसने के लिए अगले 24 घंटों में तैयार रहने के लिए कहा गया है। एक सूत्र ने बताया है कि हमले अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को घाटी से निकलने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। घाटी में शिकंजा कसने की खबरें फैलाने के बाद एटीएस स्टोरेज और पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ गई है। आपको बता दें कि जहां प्रशासनिक अचानक योजना बना रहा है वहीं उस समय वह चर्चा कर रहा है और फिर तैयार कर रहा है, वहीं घाटी में आम आदमी खुद को प्रशासनिक और सुरक्षा बंदोबस्तों के अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहा है। किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है, फिर भी किसी को संदेह नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच यह कहते हैं कि इस राज्य में विशेष दर्जे को बदलने के विचार से केंद्र भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वे भी चिंतित हैं। राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर के अभ्यास करने के बीच कश्मीरियों ने लंबे समय तक कर्फ्यू लगने के आशंका के कारण जरूरी सामान जुटाने और अन्य तरीके के तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार गिरने के बाद राजनीति से संन्यास की तैयारी में है कुमारस्वामी। कहा गलती से बन गया था सीएम। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वे राजनीति से दूर जाने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि वे गलती से राजनीति में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वे गलती से सीएम भी बन गए। भगवान ने 2 बार सीएम बनाने का मौका दिया। उन्होंने कहा है कि 14 महीने में राज्य के विकास के लिए काफी अच्छा काम किया है, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वे इस पर गौर कर रहा हूं कि राज्य की राजनीति कहां चली गई है। अब अच्छे लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरी राजनीति जाति पर टिक गई है। अब इसे मेरे परिवार में न लाए, मैंने पद छोड़ दिया है, अब मुझे शांति से रहने दें, मुझे आगे राजनीति में नहीं करना है। मैं सत्ता में था तो अच्छा काम करता था लेकिन मैं लोगों के दिल में शांति से देखना चाहता हूं। अभी हाल ही में कुमारस्वामी ने सरकार गिर गई है, वहां कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की गठबंधन सरकार थी। दोनों पार्टी के कई विधायकों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सरकार संकट में बादल मंडरा गए थे। विपक्ष की मांग पर स्पीकर रमेश कुमार ने ट्रस्ट वोट कराया था जिसमें से कुमारस्वामी बहुमत पूरी तरीके से गिरता दिख गया था। कुमारस्वामी के ट्रस्ट वोट में पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 105 वोट डाले गए थे और बाद में उनकी सरकार गिर गई थी। हालांकि स्पीकर रमेश कुमार ने इस्तीफा देने वाले सभी बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एसपी बीएसपी के कई राज्यसभा सांसद थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। जी हां दोस्तों, एक एकर यूपी के राज्यसभा सांसद बीजेपी के कैंप में आ रहे हैं। नीरज शेखर और संजय सिंह को भगवा रंग में रंग गए हैं। अब अखिलेश यादव के साथ छोड़कर के सुरेश नारायण भी उसी राह पर आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 4 और बीजेपी के 1 सांसद भी बीजेपी में आने की तैयारी में है। सुरेश नारायण का राज्यसभा ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, बस अब इंतजार है अमित शाह के ग्रीन सिग्नल का, फिर से वे बीजेपी के नेता कहे जाएंगे। नागर की अखिलेश यादव का करीबी नेता माना जाता था। बीएसपी से गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के सांसद रहे नागर समाजवादी पार्टी में आए थे। बात 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की है, 2 साल पहले वे राज्यसभा के सांसद बन गए थे। पारस नाम से उनका रियल एस्टेट और हॉस्पिटल का भी कारोबार है। नागर के मित्र और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे। आपको बता दें कि बीजेपी में जाने के लिए कई सांसद लाइन में लगे हुए हैं। अगला नंबर ऐसे नेताओं का है जिन्हें मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच की कड़ी माना जाता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ का रियल एस्टेट का कारोबार है, वे शालीमार ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। खबर है कि वे भी अगले 2-3 दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा दे सकते हैं, फिर उन्हें बीजेपी में शामिल होने का भी ऐलान होगा। संजय सेठ पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। मुलायम सिंह के करीबी 2 बुजुर्ग सांसदों में भी बीजेपी के आने की चर्चा अंतिम दौर पर है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की तबाही पर बोले नीतीश कुमार के मंत्री, मौत तो स्वाभाविक है,
जी हाँ दोस्तों, बिहार में बाढ़ और बारिश के चलते कई घर उखड़ गए हैं और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे के दर्जनों जिले बाढ़ की भयावह त्रासदी झेल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को लेकर के बेहद संवेदनशील बयान दे रहे हैं। बिहार के आपदा प्रबंध मंत्री लक्ष्मेश्वर राय का कहना है कि मौत तो मौत है, मौत अपने से नहीं होती, मौत चाहे किसी भी कारण से हो लेकिन मौत स्वाभाविक चीज है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बाढ़ एक आपदा है, लिहाजा आपदा को आपदा मानिए। इस दौरान लक्ष्मेश्वर राय ने दावा किया कि बिहार में बाढ़ प्रभावित ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मदद न पहुंचाई गई हो। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां बाढ़ से परिवार के मुखिया के मौत होने पर 4 लाख रुपए मदद दी जाती है। बिहार के किशनगंज में बाढ़ को लेकर के अधिकारियों और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि बिहार में बाढ़ राहत कार्य बहुत अच्छा रहा है। नीतीश राज में ऐसा कोई बाढ़ प्रभावित गांव नहीं है जहां पर सरकारी स्तर पर राहत न पहुंचाई गई हो। बिहार में आपदा प्रबंध मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि जहां पर बाढ़ में परिवार के मुखिया को मौत होने पर 4-4 लाख रुपया मुआवजा कराई जाती है। नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट की फटकार, कहा लगता है सरकार को नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को सत्ता में 14 साल हो गए हों लेकिन हर हफ्ते पटना उच्च न्यायालय ने उनकी सरकार को 2-3 विषयों पर फटकार जरूर लगाती है। उच्च न्यायालय ने अब राज्य में पुलिस महतलबे में रिक्त पदों को लेकर के नीतीश सरकार को फटकारा है। पटना उच्च न्यायालय ने करीबन 30,000 रिक्त पदों को भरने को कह रही है। देर पर चिंता जताते हुए कहा है कि लगता है कि सरकार को आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा की परवाह नहीं है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसपी शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ में हो रही थी। कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर कि आखिर इस पदों की भर्ती कब तक हो जाएगी, इस पर राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अगले 4 वर्षों में इस पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने इस आश्वासन पर कोर्ट के आपत्ति जताई है और पूछा है कि आखिर अगले 1 साल के अंदर ये सारे पद क्यों नहीं भरे जा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इस मामले में 13 अगस्त को उपस्थित होने को बारे में निर्देश दिया है कि आखिर इस पदों को भरने के लिए कम से कम इतना समय क्यों लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि एयरटेल के इस प्लान में 3 महीने में फ्री में मिलेगा नेटफ्लिक्स। जी हाँ दोस्तों, जियो जीगा फाइबर की लॉन्चिंग डेट करीब आती जा रही है। उम्मीद है कि इसे 12 अगस्त को रिलायंस AGM के दौरान लॉन्च किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में जियो की आंधी पहले से ही है, अब जियो ब्रॉडबैंड सेक्टर में तूफान लाने की तैयारी में है। टेलीकॉम सेक्टर में केवल एयरटेल एकमात्र ऐसा कंपनी है जो जियो को बराबरी में टक्कर देती है। अब एयरटेल की ओर से जियो जीगा फाइबर के आने से पहले ब्रॉडबैंड सेक्टर में बाजार में मजबूती स्थिति के आने की कोशिश तेज कर रही है। एयरटेल अपने 5 फायर ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ढेरों बेनिफिट्स ग्राहकों को देने वाला है। एयरटेल थैंक्स के तहत ग्राहकों को 1 साल के लिए फ्री अमेजोन प्राइम मेंबरशिप, 3 महीने के लिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, 5G प्रीमियम और एयरटेल टीवी प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ग्राहकों को दिया जाता है। ऐसे में इन ऑफर का फायदा लोगों के ग्राहकों को एयरटेल के ब्रॉडबैंड पोर्टफोलियो में से 1,099 रुपए, 1,599 रुपए या फिर 1,999 रुपए वाले किसी एक प्लान को सिलेक्ट करने पर यह मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि गवर्नर से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, 35A को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने गवर्नर से राज्य के बारे में चर्चा की है और हमें कुछ नहीं बताया जाता है। गवर्नर ने हमें बताया है कि अनुच्छेद 370 को लेकर के किसी ऐलान की तैयारी नहीं की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें राज्य में तैनात अफसरों से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम संसद में भारत सरकार की सुनना चाहते हैं कि वह जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर के मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 35A हटाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब अचानक श्रद्धालुओं के यहां से वापस जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सोमवार को सदन में शुरुआत होते ही सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बारिश में खराब अंडर वारंटी कार को फ्री में न बनाए, कंपनी को सीधा करे केस। जी हाँ दोस्तों, शहर से लेकर के गांव तक भारी बारिश ने तबाही मचा रखा है। सड़कों पर जल जमाव के चलते न सिर्फ लोगों की मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उनके वाहनों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
बारिश के दिनों में वाहनों के इंजन में पानी भर जाता है, जिसके चलते उनमें गड़बड़ी आ जाती है। अगर आपकी भी कार या बाइक में बारिश की वजह से पानी से वो खराब हो चुका है, तो आप खुद न बनवाएं, बल्कि कंपनी को आपकी कार को मुफ्त में रिपेयरिंग करना होगा। हालांकि इसके लिए जरूरी की गई है कि अगर आपका कार या बाइक अगर वारंटी में है, तो आप ऐसा न करें, कंपनी से यह करवाएं।